मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में हमने ये किया कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी किस में मूव कर रही है इन अ वर्टिकल सर्कल, तो उसकी जो लोएस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके ऊपर वेलोसिटीज का फॉर्मूला क्या होगा। वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 5gr लिख लेते हैं, r इज द रेडियस, l इज द लेंथ, और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ gr लिख लेते हैं। ऐसा हमने किया। ये ख्याल रहे, इस फॉर्मूले को हर वक्त हमेशा यूज नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप हर वक्त बिना देखे वर्टिकल सर्कल में ये नहीं बोल सकते कि लोएस्ट पॉइंट के ऊपर यही वेलोसिटी हमेशा होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जो एक बॉडी को चाहिए ताकि वो एक सर्कल कंप्लीट कर ले, मीन यहाँ तक पहुँच जाए। और ये वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है एट हाईएस्ट पॉइंट जो एक बॉडी को चाहिए ताकि बॉडी ठीक तरीके से सर्कल कंप्लीट कर ले। अगर आपकी वेलोसिटी इससे कम हो जाएगी तो बॉडी हो सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट तक ना पहुंच पाए, और अगर आपकी वेलोसिटी इससे कम हो जाएगी तो आपकी बॉडी गारंटेड नीचे गिर जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? ये हमने किया। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दें प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है, मान लो ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। इसको प्लीज अपने कॉपी में लिखना शुरू करें, इसको कॉपी में लिखना इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सपोज ये एक बॉडी है, इसकी वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर 10 मीटर्स पर सेकेंड है, या चलो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड है। इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल आर की वैल्यू 0.5 मीटर है, ठीक, ये क्वेश्चन है। रेडियस की वैल्यू 0.5 मीटर है, ठीक है यहाँ तक। तो आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी बतानी है इस पॉइंट पर क्या होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। कितने लोग ये कहते हैं कि ये वेलोसिटी 20 है तो इसका फॉर्मूला बोलो क्या है, अंडर रूट ऑफ 5gr। गलत, मैंने बोला ही नहीं कि 10 मीटर पर सेकेंड मिनिमम वेलोसिटी है, तो आप इसको √5gr बोल ही नहीं सकते, बात ही खत्म है, राइट। और यहां पे वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ जी आर। गलत, क्योंकि जब नीचे मना कर रहा हूं तो ऊपर कैसे लगा लेंगे। तो मैंने बोला ही नहीं मिनिमम वेलोसिटी निकालो, बस मैंने कहा वेलोसिटी निकालो, मेरी मर्जी, मैं बॉडी को 10 पे चलाऊं, 200 पे चलाऊं, या 2 लाख पे चलाऊं, मेरी मर्जी, ये कोई जरूरी नहीं। जब तक वर्ड मिनिमम वर्ड ना आए तुम √5gr और √gr नहीं यूज कर सकते, बात ही खत्म है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, शुरू करो। क्या ये ठीक बोल रहा है, मैं अब क्या करूं कि मैं वेलोसिटी निकाल लूं, ठीक बोल रहा है, और भी सोचें तो क्या करूं। अगर आपके वो दो फॉर्मूला फेल हो गए, √5gr और √gr नहीं लग पा रहे क्योंकि वर्ड मिनिमम नहीं है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है वेलोसिटी निकालने का, और वो है एनर्जी कंजर्वेशन, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें इसे ग्राउंड मान लेंगे, तो बनाते रहें, आप इसे ग्राउंड मानेंगे और आप ये बोलेंगे कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू क्या रहेगी, सेम लिखें, और कोई तरीका नहीं। अगर ड्यूरिंग अ मोशन ऑफ अ सर्कल आपको एक पॉइंट की, किसी भी एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है और आपको दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एनर्जी कंजर्वेशन, और कोई तरीका नहीं है। तो इसको कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहां पे बोलो क्या रहेगी, जीरो, ग्राउंड है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ इंटू m इंटू 20 का स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पर
क्योंकि ये डिस्टेंस 0.5 है तो ये डिस्टेंस भी 0.5 मीटर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या बनेगी, एम जी इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये लो 2 इंटू 0.5, और कानेटिक यहाँ पर क्या बनेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो अब आप एनर्जी कंजर्वेशन करें, नीचे की एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू 20 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू टॉप मोस्ट पॉइंट की एनर्जी, जो कि एम इंटू जी इंटू 2 इंटू 0.5 प्लस हाफ इंटू एम वी स्क्वायर के इक्वल है। एम 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 कैंसिल कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा, 400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, जी का मतलब 10 है, इसका मतलब 1 है, और वी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई 2 की जो वैल्यू है वो आएगी, ये कट गया 200 हो गया, 200 माइनस 10, यहाँ से सॉल्व करके वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये बात समझ में आ रही है कि वी कैसे आएगा? आंसर जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जब आप मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे, आपको एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है, आपको दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो फिर एनर्जी कंजर्व कर दें, अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ चाहिए ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए।